जब पहली तारीख होती है या कहीं रात के बारह बजते हैं तो हरेक के अंदर एक ही संकल्प होता है कि हम पुराने साल को विदाई दे रहे हैं और आने वाले नए साल को बधाई दे रहे हैं विदाई अर्थात जो कुछ हुआ और हम सबको पता है 2021 में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए हमारा मन तैयार भी नहीं था हमें तो लगा था कि 2021 मतलब सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन जीवन अर्थात जो परिस्थितियां जो बातें आती हैं वो अचानक आती है तो 2021 को विदाई देने के साथ साथ 2021 से शिक्षाएं भी ले लेनी चाहिए सबसे पहली शिक्षा जो 2021 ने हमें दी वो थी अचानक के लिए तैयार रहना अचानक परमात्मा हमेशा सिखाते हैं अचानक का पाठ पक्का कर लो अर्थात अचानक कुछ भी होगा बताकर तैयारी कराकर नहीं होता है अचानक होता है चाहे वो पूरी दुनिया में हो चाहे वो हमारी कंपनी में हो चाहे वो हमारे परिवार में हो या हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में हो द वर्ड शब्द है अचानक इस अचानक के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है तो 2021 ने हमें इस शब्द का महत्व समझाया कि अगर मेरे जीवन में अचानक कोई बात आती है क्या मेरा मन तैयार है क्या मेरे पास उतनी शक्ति है कि वो अचानक आई हुई बात को स्थिरता से बहुत स्थिरता से क्योंकि अचानक जो होता है वो बाहर होता है बाहर कुछ होता है ऐसा जिसके लिए हम तैयार नहीं थे 2022 शुरू हुआ हमें नहीं पता कि 2022 अपने साथ क्या लेकर आया है बाहर क्या होने वाला है नहीं पता है बाहर की दुनिया की गारंटी नहीं है ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन हमेशा हमें याद रखना है कि दो दुनिया है एक बाहर की दुनिया द आउटर वर्ल्ड और एक आंतरिक दुनिया द इनर वर्ल्ड इन दोनों में से एक भी दुनिया अगर इन कंट्रोल चले तो सब कुछ सही है जीवन क्रॉस करना बहुत सहज आराम से हो जाएगा लेकिन या तो बाहर की दुनिया कंट्रोल में चले या फिर ये आंतरिक जगत मेरे अनुसार चले तो हमने ये सीखा ही है पिछले कुछ सालों में कि बाहर अचानक कुछ होता है और इसलिए 2021 जो हमें एक और शिक्षा देकर गया है वो ये है कि अपने आंतरिक जगत की तैयारी रखें हमेशा कि जैसे ही कोई बात आए हमारा मन सबसे पहली चीज स्थिर रहे स्थिर बात का साइज क्या होता है हम कहते बहुत बड़ी बात आई बातों का कोई साइज नहीं होता है हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि एक ही फैमिली में एक बात आती है परिवार में चार लोग हैं लेकिन उन चार लोगों के लिए बात का साइज अलग अलग होता है एक जना कहता है कितनी बड़ी बात आई है दूसरा कहते हैं हाँ बड़ी बात आई है तीसरा कहता है हाँ बात आई है ऐसी तो बातें आती रहती हैं चौथा कहते हैं तो छोटी सी बात है इसमें क्या बात है ये तो बात, से हो तो बात का साइज क्या होता है बात का कोई साइज नहीं होता साइज होता है डिपेंडेंट ऑन हमारी शक्ति तो बात का साइज डिसाइड करता है मेरा मन तो जितना मेरा मन शक्तिशाली होगा उतनी बात छोटी लगेगी और बात छोटी लगेगी और हमारा शक्तिशाली मन बात पर हावी हो जाएगा और बात का बहुत आसानी से सामना कर लेगा और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट लेसन lesson, क्योंकि लेकर आगे चलना बहुत जरूरी है है और वो लेसन ये है कि बाहर सब मेरे अनुसार हो इसकी इच्छा रखे ना क्योंकि हम कितनी भी तैयारी करें बाहर तो कुछ भी हो सकता है बदल सकता है लेकिन ये तैयारी रखें कि मैं अपने मन को हर रोज और पावरफुल और पावरफुल और पावरफुल और शक्तिशाली बनाओ जिसको हम कहेंगे इमोशनल स्टैमिना, मन का स्टैमिना क्या है बातों को फेस करने के लिए या कहेंगे इमोशनल हेल्थ